जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। तुम कषाय के साथ औषधि का सेवन करते रहोगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? पहले कषाय हटा दे, दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम हजारों लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने चेकअप कराते हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेना। इसीलिए मैंने कह दिया आप लोगों के सामने, हम कैसे भटक रहे हैं, कैसे दुख भोग रहे हैं, ये आप कल्पना कर लेना। शारीरिक सुख भी अथवा सांसारिक सुख भी हम कितने क्लेश के साथ, कष्ट के साथ भोग रहे हैं। आत्मा के सुख तो दूर की बात है, कितने आपाधापी के पास कैसे लगता है विचार करो। यदि तुम्हें कष्ट दे रहा है तो शत्रु कष्ट दे रहा है क्या? दुनिया में कौन कष्ट दे सकता है बोलो? दुनिया में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। यदि कोई कष्ट हो रहा है, यदि कोई कष्ट दे रहा है, आपकी अपनी कषाय आपको कष्ट दे रही है, कोई नहीं दे सकता है। आप निष्कषाय हो जाए, आपको जो गर्मी बड़ी है वो शीतल शांत हो जाएगी। मैं जंगल में रहता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, मुझे मालूम है कौन पशु कहाँ बैठता है, कौन पशु कहाँ बैठता है, किस समय कौन से पशु का बैठने का स्थान कहाँ होता है। कब झाड़ी में छिप करके बैठता है, कब बिल में छिप करके बैठता है, कब ऊपर उठकर धूप लेने लगता है, कब हरियाली और फूल पौधों में फलों में खेलता हुआ नजर आता है, हम सब जानते हैं। इतना ज्ञान होता है तभी तो जंगल में रहते हैं। चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, और किसका स्वभाव क्या होता है, किसका नेचर क्या होता है, और वह नेचर और स्वभाव उसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया भी क्यों होती है, इन सब का ज्ञान है। एक छोटे से उदाहरण आपको सुना दूं। मैं एक पगडंडी से जा रहा हूं और ऊपर एक मोड़ में एक बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष के कोहो में एक बहुत बड़ा सर्प है। मैं अपने ईर्ष्यापथ से नीचे ध्यान रखते हुए मैं जब निकल जाता हूं, उस समय वह सर्प भी, इतना बड़ा सर्प भी कुछ भी नहीं करता है। एक बात, दूसरी घटना, मान लो सर्प अपने कोह में ठेनी में बैठा है, सर्दी के कारण परेशान है, धूप ले रहा है, चौकन्ना चारों ओर नजर रखा है, लेकिन मेरे को नहीं देखा, मैं नीचे से गुजर रहा हूं और मेरे दृष्टि उस पर पड़ी है, उसकी दृष्टि मेरे पर पड़ी है लेकिन मेरी दृष्टि उस पर नहीं है, वो कुछ नहीं करता, और मेरी दृष्टि उस पर पड़ी है, उसने नहीं देखा है, तो तुम क्या करते हो? क्या तुम क्या करते हो बोलो? मारने की, लट उठाने की, पत्थर उठाने की, चीखने की, चिल्लाने की और भागने की।
और तीसरी घटना देखो, मनुष्य अच्छा है कि वो अच्छा है? वो तुम्हें काटने की इच्छा नहीं किया, तुम्हें भगाने की इच्छा नहीं किया, तुम्हें रोकने की इच्छा नहीं किया, देखता रहा, नजर रखा रहा। यदि मेरे लिए प्रहार करेगा तो ही मेरे को अपने रक्षा के लिए कुछ करना है। किंतु मनुष्य वो कुछ नहीं कर रहा बेचारा, लेकिन फिर भी हम लट ढूंढने लगते हैं, पत्थर ढूंढने लगते हैं। और तीसरी घटना, मान लो उसने देखा हमको और हमने देखा उसको, वो चौकन्ना हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, वो अपने रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, आप अपने रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, दोनों अपने अपने साधनों को उठा लेते हैं, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। कष्ट कौन दे रहा है? और दूसरी बात, चौथी बात याद रखना, उसने हमको देखा, हमने उसको देखा, और वह क्या देखता याद रखना, इनके हाथ में क्या है, इनके पास पैसा है क्या, ये रूपवान है क्या, इनके कलर कैसा है, इनका हाइट क्या है, इनका वेट क्या है, पशु इसको नहीं देखता है। वह पशु का नजर कहाँ रहती है? सिर्फ आंखों पे रहती है। कहाँ रहती है? इनकी आंखें कैसी हैं, इनकी आंखों से पढ़ करके वह सब समझ जाते हैं। और वह हमको देखा और मैंने उसको देखा, मैंने मुस्करा दिया, उसने हल्का होकर के देखा, और वो मेरे आंखों में देखता है, मैं वितराग से नजर से उनको देखता हूँ, तेरे भीतर भी आत्मा बैठी है, तू भी परमात्मा बन सकता है, इस भावना से, वितराग भावना से देखता हूँ, वो भी अपना फन को शांत कर लेता है, वो भी मुस्करा करके वो कषाय को छोड़ करके शांत होता चला जाता है। दोनों के में कोई वही मनस नहीं है। बंधुओं याद रखना, हम जीवो और जीने दे की भावना से, तुम भी जीवो, मेरे को भी जीने दो, और वितराग भावना से और दूर दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसको देख करके मैं वहीं से निकल जाता हूँ, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जीवो और जीने दो, तुम भी जीवो, मेरे को भी जीने दो। लेकिन कष्ट कब होता है? कषाय कष्ट देता है। मैंने बोल दिया महाराज जी कषाय काय बीमार हैं, हम कष्ट हो रहा है, नहीं, अंगुली कट जाती है तो भी कष्ट नहीं होता, जो वास्तविकता को समझता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा साता को असाता में और असातों को साता में बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साता कर्म को असाता में और असाता कर्म को साता में बदल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अवलंब, क्या सिद्धांतिक ग्रंथों में इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा इसको, उपशम बोलते हैं, क्षय उपशम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, किसको मालूम है कि तत्व ज्ञान है क्या किसी को? मैं तो सुना था यहाँ पर बहुत तत्व के ज्ञान करने वाले हैं, इतने ही हो गए पानी में, कितने पानी में मालूम हो गया। बोलो इसको क्या बोलते हैं, साता को असाता में, असातों को साता में बदलने को क्या बोलते हैं? हाँ, कौन बोल रहे, क्या बोलते हैं? आयु को घटाना और आयु को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? क्या उत्कर्षण और अपकर्षण, ये संक्रमण, संक्रमण सजाति में होता है, दूसरे कर्म में संक्रमण नहीं होता है। वेदनी कर्म में सता का असाता में, असाता का साता में होना संभव है, लेकिन वेदनी कर्म में, गोत्र कर्म में संक्रमण नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? हाँ चलेंगे, हम ये चल रहे थे, साता को असाता में, असाता को साता में बदला जा सकता है। आपको सिर में दर्द था, आपको पेट में दर्द था, आपको बुखार थे, गर्मी थे, लेकिन आपको महाराज जी के सानिध्य में आ गए और प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए और आपका दुख दर्द समाप्त हो गया, आप खुशी से बैठे हो। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा।